हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस टू बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक लेकर आए हैं जीडीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके 13 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स रहने वाले हैं और 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। उसका हम आज आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। ये वर्जन है 2021-22 का लेटेस्ट वर्जन रहने वाला है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के लिए। उसमें आपकी वैकेंसी जो आती है, एक जीडीसी की आती है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उसके लिए हम ये बुक लेकर आए हैं। तो ये यूथ कंसर्न टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको यूथ पब्लिकेशन की तरफ से जो भी नई बुक्स आती है उसका सबसे पहले रिव्यू करके बताया जाता है कि हम न्यू बुक में क्या चीज एडिशनल लेकर आ रहे हैं। तो ये नई बुक आई है, इसमें लॉन्च हुई है, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है 195 रुपीज है, ये प्रिंट प्राइस है। इस पर अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंस्टामोजो का लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप डायरेक्ट इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप पर एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, हम आपको बुक सेंड करवा देंगे, डायरेक्ट होम डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंग्लिश के अलावा हमारे पास हिंदी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इंग्लिश का हम रिव्यू कर रहे हैं, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सबका भी हम प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट पेपर्स लेकर आ चुके हैं। कुछ बुक का हम रिव्यू कर चुके हैं और भी बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो सब्जेक्ट पेपर्स जो आपके रहने वाले इंक्लूड हैं वो आपका रहने असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का, जिसका एग्जाम 15 दिसंबर 2018 को हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का, जिसका एग्जाम आपको 11 जनवरी 2015 में हुआ था। इसके अलावा जीडीसी का 2017 का एग्जाम, जिसका 3 नवंबर 2019 को हुआ था। और आपका एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर का 26 मार्च 2017 को एग्जाम हुआ था। हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्जाम 12 जून 2019 को हुआ था। पहला आपका 23 मई 2019 को हुआ था जो एग्जाम हुआ था। इसके अलावा उत्तराखंड जीडीसी का 29 अक्टूबर 2017 को हुआ था। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 6 नवंबर 2020, छत्तीसगढ़ 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर 26 मार्च 2017। इसके अलावा छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, जिसका 28 सितंबर 2016 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका एग्जाम 21 मई 2016 को हुआ था। इसके अलावा राजस्थान आरपीएससी के लेक्चरर का एग्जाम 2014 में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यही थर्ड आपके 13 पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है, 10 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है विथ दियर सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। एक बुक हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के सिलेबस यहाँ पे दिए गए। 10 यूनिट्स होती है, काफी डिटेल के साथ आपको डिस्क्राइब किया गया। यूनिट 1 यहाँ पे है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ब्रिटिश पोएट्री है, इसके बाद यूनिट 5 यहाँ पे दिया गया है आपको लिटरेचर थ्योरी एंड क्रिटिज्म, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है, और यहाँ पे यूनिट 8 दिया है, ये यूनिट 9 हो गया आपकी, लास्ट में यहाँ पे यूनिट 10 आपको दे दिया गया है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हो गया। यहाँ पे आपको यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा इंग्लिश लिटरेचर का। ये 6 यूनिट में होता है, यूनिट 1, यूनिट 2 यहाँ पे आपको दिया गया है पोएट्री, और यूनिट 3 ड्रामा, यूनिट 4 आपका नॉवेल है, यूनिट 5 प्रोज है, यूनिट 6 आपको क्रिटिज्म है, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये सिलेबस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट पेपर्स की। तो 2016 का यहाँ पे सॉल्ट पेपर्स यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन दिया गया, साथ ही साथ डिटेल यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्राइब किया गया है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये पेपर 15 दिसंबर 2018 को हुआ था, जबकि ये 16 का एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पे काफी विथ एक्सप्लेन के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन 70 समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का पेपर स्टार्ट होता है इंग्लिश का। ये हुआ था आपका 11 जनवरी 2015 में, पेपर 2014 का है और ये यहाँ पे हुआ था। तो ऐसे ही आपको टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे ये पेपर समाप्त होता है। तो फिर अगला 2017 का पेपर स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये 3 नवंबर 2019 को होता है। अब हम आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देते हैं, प्रैक्टिस सेट एक पेपर आपको दिखा देते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ही है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रैक्टिस नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा काफी एक्सप्लेन के साथ। तो
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक यहाँ है, 70 से लेकर 33 तक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, 34 से लेकर 52 तक यहाँ मिलेगा, 53 से 70 तक यहाँ पे मिल जाएगा। एक प्लेन कागज पर आप सारे आंसर के लिखते जाइएगा, 70 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आंसर किसे मैच करवाना है आपको, और देखना है आपका स्कोर कार्ड क्या हुआ है, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितनी आपकी एक्यूरेसी जा रही है। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं या अन अटेम्प्ट है उसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे, काफी अच्छा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। तो टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है, तो 10 हमने प्रैक्टिस सेट दिए हैं जिससे आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्कोर किस प्रकार से गेन हो रहा है, वो चीजें आप वहां से कवर कर सकते हैं। चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुक रिव्यू का सेक्शन को कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, क्या नई चीजें हम ऐड कर सकते हैं या क्या चीजें आप चाहते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे जैसा भी आपका कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। लास्ट में हमारे पास कमेंट आए थे सर इंग्लिश का रिव्यू लेकर आइए, तो हम इंग्लिश का रिव्यू लेकर आ चुके हैं और जल्द ही जल्द जो भी नई हमारे पास कंटेंट ऐड होता जाएगा उसका हम रिव्यू लेकर आते रहेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।